भाटपाड़ा के तथा जिला युवा नेता अमित गुप्ता के नेतृत्व में अभिषेक बनर्जी के आह्वान पर भाटपाड़ा में भी चल रहा है कल्पतरु कम्युनिटी रसोई, जिसके द्वारा करीब 600 परिवार को रोजाना दो वक्त का जायकेदार भोजन मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही भाटपाड़ा पौरसभा के अंतर्गत काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के बकाए वेतन के सवाल पर जवाब दे रहे हैं अमित गुप्ता। देखिए हमारा रिपोर्ट। और आज 10वां दिन पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट अभिषेक बनर्जी के आदेश पे हर इलाके में हर एक जगह देखा गया इस कम्युनिटी किचन यानी कल्पतरु का आयोजन किया जा रहा है। और इस कल्पतरु के द्वारा भाटपाड़ा में भी पिछले 10 दिन से लोगों को दो वक्त का भोजन मुहैया कराया जा रहा है। और इस आयोजन को करने वाले भाटपाड़ा में हमारे बीच मौजूद है उत्तर चौबीस परगना के जिला युवा तृणमूल कांग्रेस के नेता अमित गुप्ता जी। और ये लगातार 10वें दिन वादे के मुताबिक लोगों को जाएगी तो लोगों के इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए आज रविवार को स्पेशल भोज का वितरण हुआ है। आइए इस बारे में बात करेंगे हम लोगों के लिए किस तरीके से ध्यान रख रहे हैं, लोगों की किस तरीके से सुविधाओं के बारे में सोचा जा रहा है इस कम्युनिटी किचन के द्वारा। आइए बात करते हैं अमित गुप्ता जी। सर बहुत स्वागत सुबह जन आएंगे। तो आज 10वां दिन है, क्या क्या उपलब्धि रही आप लोगों की? 10वां दिन जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग शुरुआत किए थे, सोयाबीन का सब्जी था, चावल था, दाल था, उसके बाद फिर हम लोगों ने अंडा कड़ी, राइस, दाल, फिर उसके बाद मछली का व्यवस्था कराया। इस तरह हम लोग ने हर दिन वैरायटी चेंज करके हम लोग व्यवस्था की। जैसा कि पहले हम बोले थे कि रविवार के दिन हम लोग बिरयानी का व्यवस्था करेंगे, और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने बिरयानी की व्यवस्था की है। और जितने भी जरूरतमंद लोग यहाँ रजिस्टर्ड है, 700 से ज्यादा परिवार यहाँ रजिस्टर्ड है, उन लोगों के पास हम लोग आज बिरयानी पहुंचाए हैं। और उसके साथ ही साथ जब बिरयानी बन रहा था और डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, उस समय आप ही के चैनल से लाइव दिखाया जा रहा था, जिसमें मैंने अपना नंबर भी बोला था 9051383555। जिसको भी जरूरत है आप फोन कीजिए, भाटपाड़ा विधानसभा में कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगा हम लोग वहां पहुंचेंगे। और आपका लाइव दिखाने के बाद भी संग संग 10 फोन आया और आपका रिप्रेजेंटेटिव साहब का हम लोग संग संग वहां पर खाना पहुंचा। लोग तो अपना नाम यहां पे रजिस्टर करा ही रहे थे, लेकिन विशेष है कि 24 घंटा लाइव के खबर दिखाने के बाद तो ये 9051383555 इस नंबर को बताने के बाद लगातार आ रहे हैं कॉल लोगों के। और एक नंबर है 9875608732। तो इन दो नंबरों पे सीधे आप भी आज के बाद या आज से ही कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको भोजन की आवश्यकता है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि आपके घर में फिलहाल आपको खाने की दिक्कत है, तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं अमित गुप्ता और भाटपाड़ा युवा तृणमूल कांग्रेस। इस कम्युनिटी किचन का जो आयोजन किया गया है, इस किचन के द्वारा भी पूरे भाटपाड़ा में हर घर में जहाँ जहाँ जरूरत है, जिनको भी जरूरत है, अपने जरूरत के अनुसार आप संपर्क कर सकते हैं। और सीधे अमित जी पहुँचाएंगे, भाटपाड़ा युवा तृणमूल कांग्रेस आपको पहुँचाएगा आपके घर तक खाना। जब तक लॉकडाउन है तब तक हमारा कम्युनिटी किचन और रिलीफ का जो काम है ये चालू रहेगा। जो पहले हम लोगों ने घर घर जरूरतमंद लोगों को रिलीफ मटेरियल दिया, जिसमें चावल, दाल, आलू और आपका सैनिटाइजर, मास्क, ये सब हम लोगों ने सब्जी उपलब्ध कराया। और बहुत लोगों के पास देखा कि वहां खाने का व्यवस्था नहीं, खाने बनाने का व्यवस्था नहीं। और हमारे लीडर अभिषेक बनर्जी का भी निर्देश था कम्युनिटी किचन का। तो अब क्या हुआ, कम्युनिटी किचन हो जाने से क्या हुआ कि रेडी फूड भी हम लोग पहुंचा दे रहे हैं, और जिसके पास खाना बनाने का प्रबंध है उसको हम लोग रिलीफ मटेरियल भी पहुंचा रहे हैं। सर ऐसे इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो दल है ये राजनीतिक पार्टी है केवल लोगों को लूटने के लिए, इसमें क्या बोलेंगे? जिस पार्टी के सरकार ने, जिस पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी जो हमारी मुख्यमंत्री है, गरीब लोगों के लिए राशन फ्री कर दिया, वो कैसे बोल सकते हैं कि हम लूट रहे हैं? फ्री में राशन दे रहे हैं ताकि कोई भूखा नहीं मरे। और ये जो लूटने का काम है, ये सब केंद्र सरकार का काम है। आपको पता ही होगा कि COVID-19 का जांच के लिए जो चाइनीज किट आया है वो किट किंतु फेल हुआ, तो कितना रुपया में सौदा हुआ है, ये सब केंद्र सरकार का मैटर है। लूटने का काम वो लोग करते हैं, हम लोग का काम सेवा करना है, हम लोग सेवा करते हैं। भाटपाड़ा मुंसिपल में जो
स्वास्थ्य कर्मी है, सुडा के जो कर्मचारी है, वेतन के लिए कई बार देखा गया कि पिछले दिनों दो दिन पहले घटना है, लोग एक प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। भाटपाड़ा के कुरुप चेयरमैन, उन्होंने भी आरोप लगाया है और भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि कॉन्ट्रेक्टर लोगों को पैसा पेमेंट हो रहा है लेकिन इन छोटे छोटे मजदूरों को पैसा पेमेंट नहीं हो रहा है। इसमें क्या बोलेंगे? जहां तक कॉन्ट्रेक्टर का पेमेंट का बात है, कॉन्ट्रेक्टर ने अपना काम किया है उसका भी पेमेंट होना चाहिए, किंतु साथ ही साथ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी है, जो हमारे सफाई कर्मी है, जो हमारे सुडा के कर्मी है, जो लोग चार महीना से जिनको पेमेंट नहीं हुआ इस कोविड 19 की महामारी में, वो लोग हमारे साथ खड़े हैं, उन लोगों का भी पेमेंट होना चाहिए। और इसके पेमेंट के लिए हमारे वर्तमान चेयरमैन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इन लोगों का पेमेंट हम लोग जल्द से जल्द करवाने में सफल होंगे। और रहा बात पूर्व चेयरमैन का बात, तो मैं बता दूं कि कल जब आप लाइव उन लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे महिला कर्मियों का, तो उन लोग एक बात बोल रहे थे कि पहले पीएफ काटा जाता था, तो पहले जो पीएफ काटा जाता था वो अर्जुन सिंह और सौरभ सिंह का पॉकेट में जाता था, उसका कोई हिसाब नहीं है, वो बीआईडी रूप से काटा जाता था और उसका पैसा वो लोग डायरेक्ट मिल जाता था। परंतु मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि चेयरमैन को बोल के मेहनत हम लोग करवाएंगे ही, इन लोगों का रियल में पीएफ फंड हम लोग क्रिएट करवा के और ये सही में नाम इंक्लूड करवाएंगे। और कल सोमवार है, कल चेयरमैन म्युनिसिपल आएंगे, उसके बाद हम लोग चेयरमैन को रिक्वेस्ट करेंगे कि कर्मचारियों का महीना होना चाहिए और पीएफ का पीएफ के नाम पे, क्योंकि पीएफ का कोई अकाउंट नहीं हुआ था, पीएफ के नाम पे डायरेक्ट पैसा काट लेते थे अर्जुन सिंह, तो वो पैसा कहाँ गया इसका तदंत करने के लिए एक इंक्वायरी टीम कल ही कोशिश करेंगे, चेयरमैन को रिक्वेस्ट करके टीम बनाया जाए, उसके द्वारा जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी। हमने बात की और आपको दिखाने की कोशिश की कि भाटपाड़ा में कल्पतरु किचन के द्वारा सैकड़ों परिवारों को नाम यहाँ पे रजिस्टर करवा रहे हैं, पूरे घर के लिए, पूरे परिवार के लिए हर दिन लगातार 10 दिन से 2 वक्त का भोजन यहाँ से पा रहे हैं। भाटपाड़ा में जो स्वास्थ्य कर्मचारी थे, इनका जो वेतन का मामला था, हमने इस बारे में बात करने की कोशिश की अमित गुप्ता जी से, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि जरूर कॉन्ट्रेक्टर को पैसा मिलना चाहिए लेकिन इन स्वास्थ्य कर्मियों को भी कहीं से अवहेलना नहीं होनी चाहिए और उन्हें भी वक्त पे उनका न्यूनतम जो भी वेतन है, उनके हक का पैसा है, उन्हें भी दिया जाना चाहिए। और इसके लिए अपने ओर से पौर प्रधान के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन स्वास्थ्य कर्मियों को पैसा मुहैया कराया जाए ताकि वो भी अपने घर अपना परिवार का पोषण कर सके और समाज में इलाके में अपनी सेवा को जारी रख सके। कैमरा पर्सन के साथ 24 घंटे के लिए मैं राजीव गुप्ता देखते रहिए।